सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों मैं आज आप लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने गुरु के खुद नहीं हुए, और आपको पता होगा कि 2014 में वो आडवाणी जी को अपना गुरु मानते थे और उनका पैर छूते थे, और आज ऐसा दिन आ गया है कि आडवाणी जी को खुद हाथ जोड़कर नमस्ते करना पड़ता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो साथियों ये सोचिए, जो इंसान अपने गुरु का नहीं हुआ, जो इंसान अपनी बीबी का नहीं हुआ, वो इंसान हमारे देश का क्या करेगा। वो गुरु से वादा किए थे और हर वक्त गुरु जी से अपने बातें करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे, और आज ऐसा दिन आ गया है कि वो अपने गुरु जी के से जो उन्होंने आप क्या प्रधानमंत्री जी ने जो अपने गुरु को दिया था वचन, उस चीज को भी नहीं निभा पा रहे हैं, उस वादे को भी नहीं निभा पा रहे हैं। तो सोचिए इस देश की जो जनता है, जो जनता के साथ उन्होंने क्या ना वादा किया था, वो कहां गया वादा। उन लोगों के साथ जो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हमारा खुद नहीं वादा पूरा हो, जब वो अपने गुरु का नहीं वादा पूरा कर पाए तो वो हमारा वादा कहां से पूरा करेंगे। अब की बार जो ये लोकसभा ये जो चुनाव है साथियों, आप सभी लोगों को जितने भी मेरे भाई हैं, पूरे बहुजन समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा कि अब हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा उनकी बातों पे जो वो फेंकने का काम करते हैं। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। जो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो ठंडी के मौसम में एटीएम के लाइन में ले जाकर लगवा दिया, वो लड़का, वो चौकीदार जो अपने आप को आज वो चौकीदार बात करते हैं, और दिन दहाड़े हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और एक इंसान वो इस तरीके से कहते हैं कि उनको शर्म भी नहीं आती, वो प्रधानमंत्री होते हुए कहते मैं इस देश का चौकीदार हूँ, झोला लेके आया हूँ और झोला लेके चले जाएंगे। और बनारस के अंदर जब वो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो वो कहते हैं कि मुझे, मैं आया नहीं, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अब आप सोचिए इस तरीके से कर करके वो किस तरीके से बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी साथियों से मेरा ये कहना है कि उन लोगों के बहलावे में मत पड़िए। जो इंसान अपने गुरु का, अपनी माता का और अपनी बीबी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं हुआ, वो हमारे देश का कभी भला नहीं कर सकता है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।